तो आज हम उपस्थित हैं वृंदावन की पवित्र भूमि पर, जहां पर 1,51,00,000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग है, उनको पूरा करने का संकल्प लिया गया है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनकी आवाज सुनने के लिए लोग तरसते हैं, जिनकी झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहते हैं, और जिनके मार्गदर्शन को लेकर लोग अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, वो हैं श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। न्यूज़ वॉच इंडिया का बहुत बहुत साधुवाद कि वो अपना समय निकाल के यहाँ आए, और भक्तों की ये जो दिव्य भव्य झांकियाँ हैं वो यहाँ से आप लोग अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में उसका दर्शन कराएंगे, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, वृंदावन में ये पहला ऐसा भव्य समारोह है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सर, जो संकल्प 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का लिया है, उसके पीछे का क्या महत्व है सर? देखिए, इसके पीछे रीजन एक ही है कि जब हम कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, एक तो ये दीर्घकालीन चलने वाला 41 दिन तक चलने वाला, ये इतना लंबा आप समझते हैं, हम और आप एक दो दिन में भी अपने घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका कितना प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है, ये 41 दिन तक चलने वाला अनुष्ठान है। दूसरा, इसमें 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे। आपने देखें कि यहाँ पर कितने भक्त उसमें बना रहे हैं, लगे हुए हैं, सिर्फ बनाने ही नहीं है, उनकी सेवा भी करनी है, उनका अभिषेक करना, उनका पूजन करना, उनका अर्चन वंदन करना है। लेकिन ये सब के पीछे एक रीज़न है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखना। हम अपनी संस्कृति को बताएं अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारा विश्वास किस लेवल का है। जब हम एक रज से, मिट्टी से एक लिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, और जब हम उसका पूजन करते हैं तो हम लोग वो अनुभव करते हैं कि ये सिर्फ एक रज नहीं है, एक मिट्टी नहीं है, स्वयं भगवान हैं जो यहाँ पर हमारे मंत्रों के द्वारा आवाहन करने पर स्वयं प्रकट हुए हैं, अब उनका हम पूजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे युवाओं में जानी चाहिए, इसका मकसद। दूसरा, हमारे देश में आप देख रहे हैं कि लोग बात बात पे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पॉइंट करते हैं। आप देखेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर, आप सोचिए कि हमारी पुरानी जो धार्मिक स्थान है जहाँ पर हमारे प्राण बसते हैं, लोगों ने उसको ज़बरदस्ती छीना, और जब हम कोर्ट में भी बहस करते हैं या कोर्ट में भी जाते हैं तो कहते हैं आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो हम भगवान शिव से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर, कि जो हमारे बाबा भोलेनाथ काशी में बंदी हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बंदी हैं, हमारी भावनाएं बंदी, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा को बंदी बना के रखा हुआ गया है, उन्हें कुचला गया है, हमें भगवान, हम इसलिए भी यज्ञ कर रहे हैं कि चाहे देर से ही सही लेकिन हमें उन सबसे आज़ादी मिले, और हम अपनी पूजा, अपनी भावना सबके सामने प्रकट करके हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकें। ऐसे हम 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उनका पूजन करके, अभिषेक करके, अर्चन वंदन करके अपने भगवान को मना के ऐसी प्रार्थना करेंगे। सर, आप जब कथा सुना रहे थे तो मैं सुन रही थी, आपने बोला कि आजकल जो लोग हैं वो संस्कृति विहीन होते जा रहे हैं, तो इसका आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस भव्य समारोह के? सबसे पहले तो सेम क्वेश्चन ये है कि नहीं है, आप ही से, आप पत्रकार हैं, आप दुनिया में जाती हैं, अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अगर कथावाचक हूँ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन आप पत्रकार लोग भी हर जगह जाते हैं। ईमानदारी से अगर पत्रकार बंधु ये कहें कि क्या हम लोग आज वाकई संस्कारवान हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि या हमारा पूर्वज जो रहा करते थे, क्या हम वैसे हैं? आई थिंक हमको लगता नहीं कि हम वैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसे कैच नहीं करना चाहते, आज भी करना चाहते हैं, लेकिन ये ड्यूटी हम लोगों की है कि हम उन्हें बताएं कि हमारा संस्कार क्या है, हमारा कल्चर क्या है। आज के बच्चे को एक ही चीज़ लगती है कि पढ़ लो, फिर कोई डिग्री ले लो, फिर जॉब ले लो, फिर पत्नी हो जाए, एक पति हो जाए, फिर एक बच्चे हो जाए, और एक घर, बढ़िया सा घर हो, एक बढ़िया सी गाड़ी हो, बस हो गया लाइफ साइकिल। पर क्या लाइफ इतनी थोड़ी है? हम लोग इससे पहले कुछ थे, हम लोग इसके बाद भी कुछ होंगे, ये सब चीज़ें हमारा धर्म सिखाता है, और जब तक आप धर्म से, सत्संग से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा, और युवाओं को स्पेशली मैं हमेशा पॉइंट करता हूँ कि वो सुने, वो समझें, वो आगे बढ़ें, और आई होप के टचवुड भगवान की बड़ी कृपा है, भारत का यूथ और भारत से बाहर भी मुझे सुनते हैं। बिल्कुल सर, आप बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं सर, तो ये जो सावन का महीना है वो बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत कुछ सुना है हमने, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, आपने देखा होगा श्रावण मास से पहले देव सैनी एकादशी होती है, उस दिन भगवान नारायण क्षीर सागर में जाके अपनी योग माया निद्रा में विश्राम करते हैं, वो विश्राम योग निद्रा में जाके विश्राम करते हैं। लेकिन ये 4 महीने जो हैं इसमें भगवान शंकर इस पूरी सृष्टि को संभालते हैं, तो 4 महीने जो वर्षा के हैं वो भगवान शंकर संभालते हैं, और शंकर भगवान सभी
तरीके के जो ताप हैं, जैसे उनको हम लोग नीलकंठ कहते हैं, नीलकंठ क्यों कहते हैं, वो विष को पान कर लेते हैं और अपना हलाहल विष को उन्होंने लिया, हलाहल विष को उन्होंने धारण किया, गले में धारण कर लिया, उसको नीचे जाने भी नहीं दिया, उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो वो हर प्रकार के कष्ट को हरण करने वाले, ताप को हरण करने वाले हैं। 4 महीने उनकी सत्ता रहती है, 4 महीने वो इस पूरे विश्व को संभालते हैं। तो इसलिए श्रावण मास में बहुत विशेष महत्व है शिव का पूजन करने का, और जो शिव का पूजन करते हैं 4 महीने, निश्चित तौर पर उनके सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए श्रावण मास का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ वॉच इंडिया को अपना इतना कीमती वक्त देने के। नहीं नहीं अभी मुझे अवश्य करना, लेकिन आपका भी, आपका पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप सबसे भी मेरा निवेदन, आप लोग न्यूज़ वॉच इंडिया को देखते रहें। न्यूज़ वॉच इंडिया न सिर्फ संसार के समाचार आपको सुनाता है, बल्कि कभी कभी हम जैसे लोगों की भी आध्यात्मिक न्यूज़ तक आप तक पहुंचा देता है। धन्यवाद।